हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा है क्लैंपिंग ऑफ वायर रोप। तो वायर रोप को क्लैंप कैसे करें ताकि वो फेलोर नहीं हो और स्लिप नहीं हो। अब प्रश्न ये उठता है कि वायर रोप स्लिंग को क्लैंपिंग करने की जरूरत क्यों है। वायर रोप की क्लैंपिंग करने के पीछे रीजन है कि सपोज कीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया और वो ठीक से सीधा नहीं है, उसको वन साइड उसको अप करने की ज़रूरत है। तो उस केस में वहाँ पे हम गाय रोप, जो कि वायर रोप के थ्रू बनाया जाता है, गाय रोप का इस्तेमाल करते हैं और उसको वन साइड टाइट करके रखते हैं ताकि वो टेढ़ा नहीं या टिल्ट नहीं हो और स्ट्रेट खड़ा रहे। तो इसके लिए गाय रोप का इस्तेमाल करते हैं। या कहीं कहीं हम लोग साइड पे जो सपोज कीजिए रूफ फ्लोर है उस पर हमें रेलिंग प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे वायर रोप स्लिंग का रेलिंग प्रोवाइड करने के लिए भी क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का जो क्लैंप होता है इसको हम लोग यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। ये सिंगल बेस क्लैंप है और ये डबल बेस क्लैंप है। तो बेस क्लैंप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वायर रोप को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब इसके अलग अलग जोड़ने के नियम है जो कि आगे स्लाइड में आएगा। तो इसमें क्या होता है, दो सैडल पार्ट होता है, ये इसको और इसको सैडल बोलते हैं और ये जो है बोल्ट है, स्ट्रेट बोल्ट इसमें दो होते हैं और दो सैडल पार्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह सिंगल, अगर डबल में जाएंगे तो डबल में कितने हो गए, चार सैडल पार्ट हो गए और चार बोल्ट हो गए। ठीक है, द रोप इज प्रोटेक्टेड बाई सैडल्स फ्रॉम सीवियर डैमेज। तो सैडल क्या करता है, रोप को डैमेज होने से बचाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। स्लिंग इसमें पूरी तरह आ जाती है और उसके बाद बोल्ट टाइट कर देंगे तो पूरी तरह वो टाइट हो जाता है और वो स्लिप नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैडल का मेन फंक्शन वही है कि जब इसको टाइट करेंगे तो डैमेज होने उसको नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इस तरह का भी होता है, यू क्लैंप में बुलडॉग क्लैंप के नाम से जानते हैं। पिक्चर जो दोनों दिख रहा है ये बुलडॉग क्लैंप है। तो इसमें भी सैडल पार्ट वन साइड होता है, इसमें दोनों पार्ट सैडल, इसमें जो बेस क्लैंप जो है इसमें दोनों तरफ सैडल पार्ट होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ सिंगल साइड सैडल पार्ट होते हैं। जनरली जनरल जो वायर को जोड़े जाते हैं वो इसी से बुलडॉग क्लैंप से जोड़े जाते हैं, लेकिन जो थोड़ी हाई टेंशन जिस पे आने वाली है या स्पेशल कैटेगरी को है उसको हम लोग इससे सिंगल या डबल बेस क्लैंप से जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टाइप्स सैडल पार्ट होता है तो टाइटनेस ज़्यादा अच्छी आती जब, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो बुलडॉग क्लैंप में क्या होता है कि वन साइड है जो सैडल पार्ट होते हैं और दूसरे साइड जो होता है कि यू शेप में देख रहे हैं, यू शेप है और ये है जो सैडल पार्ट है। अब यहाँ पे बुलडॉग ज्वाइनिंग वायर रोप यूजिंग बुलडॉग ग्रिप्स, तो इसको हम बाद की स्लाइड में अभी बताने ही वाले हैं। जस्ट ये फोटो देख लीजिए, ये जो है बुलडॉग क्लैंप है और ये है जो सिंगल बेस क्लैंप है और ये डबल बेस क्लैंप है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक चीज दिखाया जा रहा है, ये है जो गलत जोड़ने का तरीका है। तो इसको गलत जोड़ने का तरीका हम आगे के स्लाइड में क्लियर करेंगे आपको। देख यहाँ पे देखिए, यू बोल्ट इसको भी बोलते हैं या क्लैंप बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या था, बुलडॉग क्लैंप। ठीक है, इसको यू बोल्ट भी बोलते हैं। इसमें सैडल पार्ट ओनली वन साइड होता है, इस तरफ यू साइड होता है। अब इसको जोड़ने का, यू सेक्शन कॉन्टेक्ट डेड इंड ऑफ द रोप, यू सेक्शन में जो स्लिंग को आपको एक्सटेंड नहीं करना है वो स्लिंग ऊपर की तरफ रहेगा और जो स्लिंग को आपको एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, उधर है जो सैडल पार्ट लगाने हैं। इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तीन अलग अलग ढंग से यहाँ पे किया हुआ है, सैडल ऑन लाइव इंड। तो ए वायर जो है आगे जाने वाली है, जैसे आपको बेस, आपको गाय रोप बनानी है तो लंबा चाहिए, तो इसके लिए ए स्लिंग है जो कंटिन्यू जाने वाली है। तो इधर के पार्ट सैडल पार्ट लगेगा, सैडल साइड लगेगा इधर, और ए डेड इंड है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे यू टाइप का यहाँ पे इस तरफ लगेगी। ठीक है, डू नॉट अल्टरनेट, अल्टरनेट इस तरह से नहीं करना कि एक तरफ बुलडॉग लगाया दूसरी तरफ फिर है जो यू लगा दिया, फिर यू लगा दिया, फिर सैडल पार्ट लगाया, ये गलत है, ये नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा डेड इन पार्ट है जो कि यहाँ बताया डेड इन पार्ट है। तो डेड इन पार्ट जिधर रहेगा उधर यू लगेगा, जो कि पहले वाला फिगर सही बता रहा है, डेड इन पार्ट जो है उधर यू क्लैंप लगेगा। इसमें सीधा करके वो उल्टा करके दिखा रहा है, यहाँ सीधा है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि ए गलत है, डेड इंड जो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे
जो स्लिंग हमारा आगे जाने वाला है, एक्सटेंड होने वाला है, उधर हमें हमेशा क्या लगाना है, सैडल पार्ट लगाना है। यहाँ पे उल्टा लगा हो, डेड इन जहाँ खत्म हुआ उधर पे सैडल पार्ट लगाते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर है कि अब उसको अप्लाई कैसे करोगे, यू बोल्ट को और क्लैंप को अप्लाई करने का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले अगर किसी भी वायर में आपको क्लैंपिंग करना है, तो सबसे पहले लास्ट पार्ट में लगाएंगे, पहला स्टेप है यहाँ पे लगाएंगे। दूसरे स्टेप में है जो आई बनता है वहाँ पे लगाना है। थर्ड पार्ट में सेंटर में लगाना है, और फोर्थ में अप्लाई टेंशन एंड टाइट ऑल द नट्स रिकमेंडेड। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे टेंशन, टेंशन का मतलब जो आप टाइट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो टाइट होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको लगाने हैं। ओके, चेक नट टॉर्क आफ्टर रोप हैज इन द ऑपरेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये रॉन्ग है। यहाँ रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये डेड इंड पार्ट है, और डेड इंड पार्ट की तरफ इसने क्या किया है, एक्सटेंड ये हो रहा है, छोटा देख रहे हैं यहाँ पे, डेड इंड ये वाला डेड इंड है यहाँ से यहाँ, लेकिन इधर क्या किया है, सैडल पार्ट लगा दे, जो गलत है, डेड इंच की तरफ यू शेप लगेगा। ठीक है, ये राइट है, ये पिक्चर थोड़ा उल्टा दिख रहा है क्योंकि बोल्ट दिखा रहा है, उल्टा करके लगाया हुआ है इसलिए बोल्ट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इस तरह से ध्यान देना है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये है जो पिक्चर क्या है, सही है। ये वहाँ पे वाइट देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, इसका मतलब डेड इन पार्ट है, इसलिए इधर यू शेप लगा हुआ है, और जो ए पार्ट है जो एक्सटेंड होने वाला है आगे की ओर, तो इधर सैडल पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ गए। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि ए ए सॉकेट और कहाँ कहाँ पे लगता है। जैसे इस सॉकेट पार्ट है, तो इसमें भी हम है जो बोल्ट और क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं, और इस सॉकेट पार्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, क्रेन का जो हुक होता है उसमें भी, हुक से आपको एक्चुअली बाहर दिखता नहीं है, इंटरनल जो उसका बॉक्स रहता है उसमें दिखता, अंदर रहता है इसलिए नहीं दिखता है। और दूसरा पार्ट जो इसका होता है वो क्रेन का जो ड्रम होता है, रोप ड्रम, वहाँ पे भी इस तरह का सेटिंग रहता है। इसमें भी देख रहे हैं कि मेजर रोप डाया टू इंश्योर प्रॉपर साइज, और इसको स्लिंग का जो डाया है उसके हिसाब से ही बुलडॉग क्लैंप लगाने हैं, उसके साइज के हिसाब से बुलडॉग क्लैंप आते हैं, तो उसके हिसाब से लगाना है। अगर उसके हिसाब से नहीं लगाएंगे, और स्लिंग अगर बड़ा है, बुलडॉग आपका छोटा है, तो स्लिंग डैमेज हो जाएगा टाइट होने पर। तो ध्यान रखना है कि स्लिंग का जो साइज है वो सेम साइज का मैच होना चाहिए बुलडॉग क्लैंप से। तो यहाँ पे बैच सॉकेट कहाँ कहाँ पे लगता है क्लियर हो चुका है आपको, एक तो क्रेन का हुक में, और दूसरा क्रेन का जो रोप ड्रम है जहाँ पे वायर का रैपिंग होता है वहाँ पे, दोनों जगह लगाते हैं, क्योंकि दो हमारे क्रेन में सिर्फ दो जगह पे है जो इंड पार्ट आता है, एक हुक में आता है, दूसरा रोप ड्रम में आता है, तो उसको सिक्योर करना जरूरी है, क्योंकि बाई मिस्टेक अगर रोप ड्रम से आपने थ्री रैपिंग नहीं रखा तो उस केस में वहाँ पे वायर थोड़ा नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर क्रेन के हुक में एक ठीक से अगर टाइट नहीं है और इस पे लोड आएगा तो ये स्लिप करके निकल जाएगा, इसलिए इसका क्लैंपिंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, बेड सॉकेट आप समझ गए। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं डेड इन पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉकेट फिटिंग ए वेज रोप, ये है जो सेम चीज, उसको समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए डेड इन पार्ट है। ठीक है, तो डेड इन पार्ट को जो है इसको बहुत छोटा रखेंगे तो यहाँ पे क्लैंपिंग नहीं हो पाएगा। क्लैंपिंग करने के लिए आपको रोप को स्ट्रेट करके फिर यहाँ पे क्लैंप करना, और आपको लंबा खींचना पड़ेगा। ठीक है, अप्रोक्स 200 mm आपको अंदर ये खींचना है, उसके बाद ही क्लैंपिंग करने हैं, तभी ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बुलडॉग क्लैंप क्या है और सिंगल और डबल बेस क्लैंप क्या है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू।